ही दुल्हन बनाऊंगा उससे डरा रहे इसकी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल सामी प्रिय स्टाइल वर्ल्ड और मैं हूँ प्रियंका। तो आज है तीज का दिन, तो मैं सोकर अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। अभी बज रहे सुबह के 7 और ये देखो मैं दातुन लेकर आ गई टेरेस पर। तो तीज के दिन हम पेस्ट नहीं यूज़ करते, उसमें सॉल्ट रहता है। तो ये दातुन नेचुरल पेस्ट है जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ टेरेस पे, घूम घूम के ब्रशिंग कर रही हूँ इसी के हेल्प से। और मैं वो देखने भी आई, मैं मंदिर को आपको दिखाती हूँ। मेरा मंदिर वो रहा, मेरा मंदिर टेरेस के पास ही है। तो इसी मंदिर में मुझे अभी जाना है नहाकर पूजा करने, सारा श्रृंगार का सामान पार्वती माँ को चढ़ाना है, तो सुबह का पूजा करना है। और मैं मंदिर का पूजा कैसे करूंगी मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि सैमी का एग्ज़ाम चल रहा है हर साल। पिछले साल का वीडियो आप अगर देखेंगे तीज ब्लॉग, मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगी, उसमें मंदिर में मैंने किस तरह से मैंने पूजा किया था वो आपको पूरा अच्छी तरह से दिख जाएगा। सेम वही प्रोसेस है, तो वही पूजा करना है क्योंकि सैमी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो ऑनलाइन पेपर चल रहा है, तो मैं नहीं उसको ले जा सकती, तो मैं खुद ही जाऊँगी पूजा करके आ जाऊँगी। तो फिलहाल प्लान यही है कि पूजा करने के बाद फिर लंच का मैं तैयारी कर लूँगी और डिनर का भी मैं साथ में कर लूँगी कि रात को उतना एनर्जी नहीं रहेगा। और ये सब करने के बाद फिर मिलते हैं, देखते हैं फिर क्या करते हैं आगे। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ ये करके। कौन कौन दातुन यूज़ करते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। देख सकते हैं मैंने इस तरह से अपना थाल सजा दिया है। मैं अभी मंदिर जा रही हूँ, श्रृंगार का सामान है, फल है और फूल, फल, जल, कुमकुम, सिंदूर, धूपकाठी, ये चढ़ाने का सामान, इसको सब मैंने सजा लिया है। अब मैं जा रही हूँ मंदिर की तरफ, मंदिर में पूजा करके मैं आती हूँ। आ गए और अभी बज रहा है 10:30 क्योंकि घर में भी मैंने थोड़ा सा पूजा कर लिया है। शाम को अच्छी तरह से तैयार होकर पूजा करना रहता है वो शाम के वक्त। और ऑलरेडी मैंने नाश्ता बना लिया है जिसमें इसमें आलू की सब्ज़ी आप देख सकते हैं आलू की सब्ज़ी है। यहाँ पर मैंने चाय चढ़ाया है हबी जी को, अभी चाय पीना है। और पराठे मैंने बना लिया है, तो ये लोग नाश्ता कर लेंगे। खाना के लिए बोले कि खाना कुछ मत बनाओ, हेवी नाश्ता कर लेंगे। तो मैं फिर भी सोची थोड़ा सा पुलाव जैसा कुछ बना दूँगी बाद में, अभी खा लेंगे तो बाद में तो भूख तो लगेगा ही। तो उसके बाद ये सब नाश्ता सबको देने के बाद मैं ऑफिस के काम को लेकर बैठ जाऊंगी क्योंकि मेरा आज बैक टू बैक बहुत सारा कॉल्स है और बहुत इम्पोर्टेंस रिपोर्टिंग भी मुझे करना है, तो उसको अवॉइड नहीं कर सकती हूँ। तो ये सब करने के बाद फिर मैं मिलती हूँ शाम को जब मैं रेडी होने जाऊँगी। तो अभी आप तब तक आप मेरा वो कल का तीज की जो मैं तैयारी कर रही हूँ वो ब्लॉग देख लीजिए, भी आप देख के इंजॉय कीजिए और हम शाम को मिलते हैं। और मेरी मेहंदी देखिए डार्क हो रहा है, अच्छी क्वालिटी की मेहंदी मिल गई थी मेरे को। ठीक है हम मिलते हैं शाम को। ओह पागल, कट कट कर। सो नाउ शी इज इन फीलिंग नॉट कंफर्टेबल, सो नाउ यू से इसको मैं कट कर दूंगी। ठीक है ये मेरा दिमाग खा गई है सुबह से। एनीवेज मेरा आवाज़ से आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे कुछ भी रेडी होने का मन नहीं हो रहा है, बस स्टिल पूजा है करना है। तो मैं गेट रेडी विद मी, मैं शूट नहीं करूँगी, मैं जैसे तैसे रेडी हो जाऊँगी क्योंकि इतना अच्छा से करने का पता नहीं क्यों अचानक से सिर पकड़ लिया, सिर भारी हो गया है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं रेडी हो जाती हूँ अभी, तो मुझे अब ऐसे भेस में देख रहे थोड़ा बहुत कुछ भी जैसे भी होगा कर लूँगी। तो मैं रेडी होकर आपसे मिलती हूँ। क्या नहीं सजू सजू लेकिन फिर भी तैयार हो गई हल्का फुल्का। तो मैंने ये येलो साड़ी पहना है, तो अब हम चलते हैं पूजा के लिए। और मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सजने के बाद थोड़ा सा मूड चेंज हो गया है, अगर ये लुक पसंद आएगा तो मुझे कमेंट्स दीजिएगा, तो मैं आपके लिए रेडी होके मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगी। तो मैं अभी शूट नहीं कर पाई, तो चलिए हम मिलते हैं पूजा करने के समय पर।
ढके हुए और जो सुंदर एवं नए वस्त्रों में है भाग्यवान है और दिगंबर रूपधारी शंकर भगवान है उनको नमस्कार। इस व्रत का अनुष्ठान से मनुष्य के सभी पाप भस्म हो जाते हैं। हे देवी सुनो, जिस महाव्रत को तूने हिमालय पर्वत को धारण किया है वो सबका सब पूरा विद्वान हो गया। और ये देखो पूरा सिंदूर से मैं नहा ली हूँ। आज पति देव ने पूरा लगा दी, जैसे आपने वीडियो में देखा, बोलता है नहीं ऐसा अच्छा लगता है, साल में एक दिन लगाती है, थोड़ा बड़ा बड़ा अच्छा से लगाया करो। तो इसी तरह से मेरा 30 त्यौहार बहुत अच्छी से सेलिब्रेशन हो गया, लेकिन गला सूख रहा है, प्यास लग रहा है, लेकिन अभी हम कुछ खा पी नहीं सकते हैं, कल सुबह तक का वेट करना है। सुबह के 4:15 तक मैं उपास करूँगी। तो फिलहाल आज का ब्लॉग आप सबको शायद अच्छा लगा होगा थोड़ा बहुत। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तो अभी के लिए चलो बाय बाय, गुड नाइट।